सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बारे में चुटकी लेते हुए कहा कि देश में सिर्फ विकास के चुनाव नहीं जीते जा सकते, चुनाव जीतना है तो देश के हिंदुत्व की अलख जगानी जरूरी है। स्वामी ने कहा कि अच्छा आर्थिक विकास करना अनिवार्य है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त के लिए जो लोगों की भावना है उसको जगाना होता है, वो सिर्फ दो चीजें जगा सकती हैं। एक है देश में जो अन्याय करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसको सजा देना, और दूसरे जो लोग मूल्यों के लिए जीते हैं। बीजेपी के पास चुनाव के लिए के बाबरी, विध्वंस, हिंदुत्व, तीन तलाक के मुद्दों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जहां भी चुनाव नजदीक आते हैं वो अपने इन्हीं वाले हथकंडे अपनाने लग जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राम मंदिर का निर्माण इसी मुद्दे पर बीजेपी का सारा दामोदर है। राम मंदिर निर्माण से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत हासिल की, ये मुद्दा बस चुनाव आते ही गर्म हो जाता है, चुनाव बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।